3.1 परमाणु की कहानी कितनी नई कितनी पुरानी द स्टोरी ऑफ द एटम। परमाणु को जानने के प्रयास की कहानी बड़ी रोचक है जो ईसा से 500 वर्ष पूर्व से शुरू हुई। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम पदार्थ द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। एक ग्रीक दर्शन शास्त्री लियोसिपस और उनके विद्यार्थी डेमोक्रेटस ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि अगर किसी पदार्थ के टुकड़े करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती होगी जब उसे और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। डेमोक्रेटस ने उसे एटमोस कहा अर्थात जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही यह भी कहा कि पूरी दुनिया इन्हीं से बनी हुई है। हम जानते हैं कि विज्ञान में केवल चिंतन मनन से काम नहीं चलता, उन्हें जांचने के लिए विभिन्न प्रयोगों विश्लेषणों तर्कों और आधारों की आवश्यकता होती है। क्योंकि डेमोक्रेटस के पास कोई आधार नहीं था इसलिए उनका परमाणुवाद प्रचलित नहीं हो पाया। ईसा से 306 वर्ष पूर्व एथेंस में एपिक्यूरस ने अपनी किताब में लिखा कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वे परमाणुओं से बनी हैं। ल्यूक्रेसियस ने भी चीजों की प्रकृति नेचर ऑफ थिंग्स नामक कविता में परमाणु संबंधी बात की थी। इस मत को 18वीं शताब्दी में रसायन शास्त्र की नई तकनीक के विकास के कारण बल मिला। आपने पढ़ा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। वर्ष 1799 में प्राउस्ट का स्थिर अनुपात का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस आया जिसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है। रासायनिक यौगिकों में भारानुसार तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। इस नियम को कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा एवं विभिन्न यौगिकों के बनने को समझा और परखा। इन नियमों की व्याख्या करने के लिए किए गए मिले जुले प्रयासों ने परमाणु को समझने में बड़ी मदद की। ब्रिटेन के एक स्कूल अध्यापक और वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने यह बताया कि ये सारे प्रायोगिक नियम सही क्यों हैं और इन नियमों की व्याख्या करने के लिए उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन ने अपने प्रयास को 1808 में किताब अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी के रूप में प्रकाशित किया।